त्रुटिपूर्ण आदेश को निरस्त कराने की मांग। पुलिस कार्यालय में पदच्युत ASI ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने सोमवार को पत्रकार वार्ता के दौरान मांग किया कि नियमावली 1991 के नियम 23 के अंतर्गत रिवीजन में पारित त्रुटिपूर्ण आदेश 10 जुलाई 2021 को निरस्त किया जाने का इस संबंध में रिव्यू हेतु के लिए प्रत्यवेदन 31 जुलाई 2021 का निरस्तरण किया जाए। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जून के आदेश के प्रति यशस्वी के पत्र के माध्यम से 20 जुलाई को प्राप्त हुआ है। जैसे कि आप लोग वाकिफ भी हैं कि हमारे साथ 18/6/2019 को एक घटना हुई थी, जिसमें एंटी करप्शन द्वारा मुझे 5000 रुपया रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में SSP गोरखपुर के आदेश दिनांक 22/10/2020 के द्वारा मुझे सेवा से पदच्युत कर दिया गया, जिसके विरुद्ध मैंने DIG गोरखपुर, तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर जोन गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर को अपील प्रस्तुत किया था। अपील में 20/1/2021 को उन्होंने मेरे अपील को अस्वीकार करते हुए खारिज कर दिया, जिसकी मुझे प्रति प्राप्त हुई। उक्त आदेश प्राप्ति के 3 महीने के अंदर मुझे रिवीजन करना था। मैंने 17/4/2021 को अपना रिवीजन प्रस्तुत कर दिया ADG महोदय। उक्त रिवीजन कार्यालय स्तर पर रुका रहा। जब मैंने उसका परिणाम जानना चाहा, तो 8 जुलाई को DIG साहब के यहाँ से ADG महोदय को प्रस्तुत किया गया और 10 जुलाई को वहाँ से उक्त पर आदेश हो गया। उक्त आदेश में त्रुटि यह हुई कि जिस आदेश का 2020 के आदेश को 2019 मतलब एक साल बैक डाल दिया गया, SSP के आदेश को और DI साहब के आदेश को भी एक साल बैक डाल दिया गया। 20/1/2021 के आर्डर, DIG साहब का जो आर्डर था, उसे मुझे 4 जनवरी को रिसीव दिखाकर मेरे अपील को कालबाधित मान लिया गया, जिसकी वजह से मैं उसके लिए अपना प्रत्यावेदन ADG महोदय को 31/7/2021 को प्रस्तुत किया कि मेरे प्रत्यावेदन पर पुनर्विचार किया जाए। अब तक उस पेपर का भी कोई हमें रिप्लाई नहीं मिला। मेन उद्देश्य मेरा यह है कि हमारे पक्ष में आर्डर करें या विपक्ष में आर्डर करें, लेकिन उचित आर्डर करें कि हम भी आगे के लिए अपना जा सकें। भाई हम नहीं यहाँ से होगा न्यायालय जाएंगे, लेकिन उचित आदेश तो आप पारित करिए, सही चीज़ तथ्य डाल के तो आर्डर पारित करें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.